इधर कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में व्यस्त है, उधर कांग्रेस में एक नई सियासी कथा छिड़ गई है। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस में अब तक तो भावी मुख्यमंत्री और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री को लेकर ही विवाद चल रहा था। अब इस विवाद में आदिवासी मुख्यमंत्री की भी एंट्री हो गई है। ये मांग तब उठी जब कांग्रेस दलित और आदिवासियों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती दिख रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग के इस माजरे को समझने के लिए सुनिए ये बयान। जब तक प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे घर मत बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की मांग उठाने वाले ये नेता हैं उमंग सिंगार। उमंग सिंगार खुद भी आदिवासी वर्ग से हैं और आदिवासी बहुल सीट गंधवानी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बड़ी बात यह है कि उमंग सिंगार की सियासी पहचान कांग्रेस आलाकमान से उनकी नजदीकी के कारण भी है। ऐसे में उमंग सिंगार की कमान से निकला तीर दूर तलक जाएगा, ये भी तय है। पहले भी मंत्री रहते उमंग सिंगार अपने बेबाक बोलों से सुर्खियां बटोर चुके हैं। तब उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह थे, तो अब उनका सीधा निशाना कमलनाथ पर माना जा रहा है। कुल मिलाकर फिर युवा आदिवासी विधायक बुजुर्ग पीढ़ी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। और जब कुनबी में कलह हो तो विरोधी पार्टी तो मजे लेगी ही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मौके पर चौका मार गजब की चुटकी ले ही ली। अपन तो उमंग के कायल है, सही बात कहना, ठोक के कहना कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, शिवभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं, ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं। कमलनाथ अब आदिवासी कार्ड के इस हमले से कैसे निपटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस में बिखराव का पैमाना जमकर छलक रहा है। यही हाल रहे तो बस क्या ही कहें, आप खुद समझदार हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।